ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੁਣ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਐਨਐਨ ਵੋਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪਹਿਲਗਾਮ ਚੰਦਨਵਾੜੀ ਮਾਰਗ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਜਾਣ ਲਈ ਜੰਮੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਅੱਜ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। कल हमने रिव्यू जब किया यात्रा एरिया के बारे में तो हमें पता लगा है कि जो बालटाल से एक्सेस है यात्रा करने की होली केव की, वहाँ पर ट्रैक इम्प्रूवमेंट हो चुका है काफ़ी हद तक और यात्रा के लिए वो अब ठीक भी है। खाली होली केव के इलाके में काफ़ी बर्फ़ है अभी और वहाँ पे करीब 6 फुट बर्फ़ है होली केव के आसपास। और जो दूसरी एक्सेस है हमारी जो कि पहलगाम से जाती है नुनवान से चंदनवाड़ी होते हुए शेषनाग महागुना स्टॉप पंचतरनी और फिर होली केव, इस इलाके में जो बर्फ है वो शेषनाग महागुना स्टॉप और पंचतरनी में बहुत ज़्यादा है अभी काफ़ी है। हमें उम्मीद है जिस तरह से हमारे लोग काम कर रहे हैं ट्रैक पे यात्रा को साफ करने के लिए बर्फ़ को हटाने में कि हम यात्रा को शुरू कर पाएंगे, मगर तो भी अभी हम ये चाहते हैं कि पहले जायजा लें ट्रैक का खास करके पहलगाम की तरफ का। खबरां दी दुनिया विच आओ साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।